वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ जाए जल्दी से, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की क्लास शुरू हो चुकी है। एक ऐसी क्लास जहां पर आपकी खोई हुई उम्मीदें वापस आती हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि रोशनी के जुगनू मोहताज नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इस तरह से आप लोग को भी किसी चीज का मोहताज नहीं होना चाहिए, बस खुद पे डिपेंड होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बात न बताते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो भिन्नों का जोड़ घटाना हो चुका है, गुणा भाग होगा, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने देख लिया था, इस क्लास को एक बार लाइव भी हमने शुरू किया था, लेकिन नेटवर्क की समस्या की वजह से लाइव की क्वालिटी अच्छी नहीं आई, जो कि क्लास आपके ऑपरेटर साहब ने रिमूव कर दिया, अब नहीं मिलेगा आपकी वो। तो चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आपको 3 का 2 में गुणा करना है तो सभी बड़े आराम से कर लेते हैं, 3 दुना 6 है ना। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि 6/7 का 1/2 में गुणा करो तो इसमें छक्के छूटने लगते हैं कि भाई ये तो गजब है, ये कैसे होगा। ये बहुत आसान होता है, बिल्कुल सिंपल सा, बस आपको तरीका समझना है, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होती है। देखिए कैसे और कब। आपने पिछली क्लास में पहले आपने ये पढ़ दिया है, जैसे 3 और यहाँ 9 लिखा है ना, इसको अंश बोलते हैं यानी न्यूमरेटर, इसको हर बोलते हैं यानी डेनोमिनेटर। गुणा को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, भाग को बोलते हैं डिवीजन, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीपल हो जाता है, यानी कि अंश अंश का गुणा हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं होता है। कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता है, कोई इसमें टोटका नहीं करना पड़ता है, मतलब जादू टोना। देखिए कैसे, 5 का 2 में गुणा करेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं चिन्ह बना के कर नहीं रहे। 7 का 9 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और 7 9 63 63/10 आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही। इस तरह का आपका दूसरा सवाल आपके सामने है, इसको तो आप लोग जल्दी से बता दो कितना आएगा। ऑप्शन आपके सामने, इसमें भी वही आएगा, 5 का 7 में गुणा कर लीजिए, 5 7 35 और 3 9 27। बहुत से लोगों को इस बात से काफी ठंडी लगने लगी होगी कि भाई इसमें तो ये 1 2 3 लाइन में टोटल हुआ था, इसमें तो ये लाइन में कैसे हो गया, इसमें हमने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया उसमें, क्योंकि मैंने इसमें बता दिया था, है ना, समझ रहे ना, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। लेकिन ये तो सब तो ठीक था, अब ये जो मुसीबत है लंबी, ये कैसे इससे निपटेंगे। ये मुसीबत कौन सी है, ये है कि इसमें सब में तो 2 पद रहता था, इसमें एक भारी आफत है कि 3 पद हो गया। कोई मतलब नहीं इस 3 पद से, चाहे 8 पद हो, करना आपको वही है, समझ रहे ना। अगर आपको पानी पीना है तो गिलास उठा के मुंह में लगाना होगा, चाहे थोड़ा सा पीना है चाहे 2 गिलास पीना है, करना उतना पड़ेगा। तो इसमें भी वैसे करेंगे, 8 का गुणा किसमें, 2 में 2 का गुणा 3 में, मतलब अंश 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 का गुणा, फिर नीचे हर 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 का गुणा, 3 का 1 में 1 का 2 में, ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 3 48। लेकिन ये बहुत लंबा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जो कटे काट दीजिए, ये देखिए इनके साथी है नीचे 2 कट गए और ये देखिए बड़काऊ इनके भी साथी है 3, ये भी कट गए। क्या 8 का भी कोई है जिससे कट सकता है, नहीं है, नहीं है तो ये अकेला ऐसे उतर जाएगा 8। नीचे क्या बचा, कुल 1 बचा 1 हो गया और ये 8 का क्या बचा 8। इस तरह से आपका आंसर आ गया 8। तो ये 3 सवाल हो चुके हैं, चौथा सवाल देखिएगा, उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। क्लास की क्वालिटी बिल्कुल फुल HD में है बाबू, जल्दी से सेटिंग से चेंज कर लो, जिसको अच्छा नहीं दिख रहा है बिल्कुल मस्त दिखेगा। 3 सवाल आपके सामने, और एक बात याद रखें, सफलता आत्मविश्वास से मिलती है, आत्मविश्वास आत्मसम्मान से आता है और आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है, दूसरे के ऊपर निर्भर होने से नहीं। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा खुद पर डिपेंड रहें, चाहे वो आर्थिक रूप से
या मानसिक रूप से, हर तरह से। आइए देखिए आगे क्या है, कैसे है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम मैं दूर कर देता हूं। देखिए इसके पहले आपने दो सवाल कर लिए, अभी तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, यानी कि तीसरा भी तो हो चुका था भाई, चौथा सवाल, इसका जवाब बताइए। देखिए ये इस तरह का भिन्न है जो कि किसी से कटता पिटता नहीं है, समझ रहे ना? तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ऊपर ऊपर का कूड़ा, नीचे नीचे का कूड़ा, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितना आएगा चौथे में, पांचवा में, छठवा में, जल्दी से बताएं। जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो करेंगे बस थोड़ा सा इंतजार। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर बी सही है तो आप लिखेंगे Q4B, या फिर इसे आप 4 का बी भी लिख सकते हैं बस। अगर 4 में डी सही है तो आप लिखेंगे 4 का डी, अगर 5 में ए सही है तो आप लिखेंगे 5A, ठीक ना? ये कमेंट करने का तरीका है, समझ गए? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे उन लोगों की उम्मीदों को लेकर के जो लोग देख रहे हैं कि भाई लगाया जाए तो हम उतारें। देखिए ऊपर ऊपर का कूड़ा करेंगे, यानी कि 9 का कूड़ा 8 में करेंगे, नीचे नीचे का कूड़ा करेंगे, 5 का कूड़ा 7 में करेंगे। तो 9 8 72 और 5 7 35। आप सभी को पहाड़ा याद करने की ट्रिक नहीं आती ना, बहुत से लोगों को पहाड़े नहीं आते हैं। 1 से लेकर 100 तक पहाड़ा याद करें एक आसान ट्रिक के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है ना? आगे देखिए इसको, ये अलग तरह का भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनके पड़ोसी सहयोगी देखिए नीचे ऊपर इनके बसे हुए हैं। कैसे? कहने का मतलब इस आंसर से ये हर कट सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये 6 से 8 कटेगा, मतलब किसी एक संख्या से ये दोनों कट सकती है, ये दोनों भी किसी एक संख्या से कट सकती है। तो पहले इनको काट के छोटा कर लेंगे, एक नया भिन्न, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 4 8, यानी ऊपर 3 नीचे 4। अब ये 6/8 की जगह 3/4 आ गया। कैसे? 3 से भाग करिए 6 में, सॉरी 3 से नहीं 2 से, 2 से भाग करिए 6 में 3 आएगा, 2 से 8 में भाग करेंगे तो, जब आप 2 से 8 में भाग करेंगे तो 4 आएगा। ये बीच में कूड़ा था, कूड़ा लगा लो भाई। 3 में 3 से भाग करिए तो 1 आएगा, 3 में 3 से भाग करेंगे 9 में 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, यानी 1/3 हो गया, समझ में आया? अब ये देखिए आपका क्या, अब भी कुछ इनमें रिलेशन है ना, ये अंश है, ये हर है, ये भी हर है, किसी भी अंश से कोई भी हर कट सकता है, समझ रहे ना? आप लोग काफी समझदार हैं। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा 1/4, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है? देखिए अगला सवाल, छठवां सवाल जो आपके सामने है उसको देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, इसको भी देख लीजिएगा इसी एक ही बात में, इसमें भी कुछ कटने पिटने वाला है। कैसे? देखिए ये 7 से 14 कट जाएगा। देखिए कटने का मतलब क्या होता है, काफी लोग बहुत परेशान रहते हैं, मुझे काटना नहीं आता है, कैसे कटता है भाई? एक ऐसी गिनती जिससे भाग करने पर ये दोनों संख्याएं कट जाएं, वही हमें खोजना होता है, समझ रहे ना? एक ऐसी दवा जो दो बीमारी के काम आए, जैसे आप जानते होंगे करेला की सब्जी है ना, बहुत सी बीमारी में काम आती है, मैं आपको देसी नुस्खा बता रहा हूं, है ना? तो उसी तरह की आपको क्या करना होता है, एक ऐसी गिनती खोजना होता है जिससे दोनों कट जाएं। कैसे? और हाँ ये भी ध्यान देना है, जरूरी नहीं कि इससे ये कटे, मतलब ये अंश है ये हर इससे कटे, ये अंश है ना ये इससे भी कट सकता है, समझ रहे ना? इससे भी कट सकता है, जैसे ये 7 है ना, तो ये अगर 5 से नहीं कट रहा है ऊपर नीचे, तो आप इसको 14 से भी काट सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये नहीं जरूरी कि दो समान जाति या समान कास्ट वालों में ही मित्रता होती है, मित्रता या दोस्ती प्रेम सभी जातियों में हो जाता है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इनको मान लीजिए समान कास्ट के हैं और ये क्या है, दूसरे कास्ट के हैं, पड़ोसी हैं, तो इनमें भी व्यवहार हो सकता है, समझ रहे ना? तो यानी ये क्या होगा, 5 से 7 ये दोनों तो नहीं कटेंगे, किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, इनको काटेंगे 14 15 ये भी किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, लेकिन ये पड़ोसी पड़ोसी जो है ना ऐसे कट जाएंगे, 7 1 7 7 2 14,
और ये 5 * 5 और ये 5 * 3 = 15 मतलब कितना आएगा, ऊपर 2 नीचे 3 यानी कि 2/3, समझ गए ना। ये तो एक अलग तरह का था, मतलब कुछ डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए, एक आसान मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, जैसे अगर ये सवाल आपके लिए मिल जाए तो उसको आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे, एकदम वेरी इजी तरीके से, है ना, एकदम जैसे हमारे सर पढ़ाते थे बोलते थे हलुआ है, जो बहुत आसान होता था। तो कैसे, देखिए जैसे हमने लिखा 5/15 और ये गुणा है 2/8, देखिए आसान है कैसे, इसमें ऊपर नीचे से कट रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे काटने का मतलब ये कि ये संख्या से ये कट रही है, इससे ये कट रहा है ना। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 * 5 = 5, ये 5 * 3 = 15, ये 2 से कट जाएगा, 2 * 1 = 2, ये 2 * 4 = 8, ऊपर 1 बचा, नीचे यहाँ 3 बचा, गुणा यहाँ 1 बचा, यहाँ नीचे 4 बचा, गुणा कर लीजिए 1 * 1 = 1, 3 * 4 = 12, 1/12 आ गया, है ना, कितना आसान। मैथ बहुत आसान है, जी हाँ बिल्कुल बहुत आसान है, और मैथ को आसान बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आपको मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल मैथ को आसान बनाएं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9793488448। अगर आप स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पे GOIN ज्वाइन लिख करके भेजें। मैथ सिखाने की 100% गारंटी के साथ आपकी सभी क्लास आपको मिलेंगी। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो YouTube पर जो भी कुछ क्लास आपको मिल रही हैं ये इसी तरह की मिलती रहेंगी, ठीक है ना, लेकिन सभी क्लास नहीं मिलेंगी। ध्यान दें, 0 लेवल की फर्स्ट बैच में लगभग 100 से अधिक क्लास हो चुकी हैं अभी तक, सेकेंड बैच में आपके 15 क्लास लगभग हो चुकी होंगी, थर्ड बैच में आपके 2-3 क्लास हुई है, तो 0 लेवल की कई बैच चल रही हैं। 0 लेवल का मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की मैथ आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, और सभी को आए, हमारा यही उद्देश्य है। इन नंबरों को आप लोग नोट कर लें, इन पे आप फोन कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, लेकिन फोन कॉल कृपया उसी टाइम में करें जिस टाइम में आपको बताया जाए, यानी कि सुबह 10 से लेकर के आप 12 के बीच इसमें कॉल कर सकते हैं और इस पे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, कोई भी WhatsApp पे वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल ना करें, यानी कि वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल कतई ना करें, क्योंकि आप जानते हैं सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, आप समझ सकते हैं। तो जब आप वीडियो कॉल करते हैं रात में 12 बजे, 1 बजे, 8 बजे, 9 बजे, दिन में कभी भी, तो कोई कहीं भी हो सकता है, तो आपकी कोई भी वीडियो कॉल नहीं रिसीव कर सकता और वीडियो कॉल कोई भी ना करे, ठीक ना। और अब मैं आपको बता दूं, आप लोग विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट pbrstudy.com, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप लोग भी संकोच अपनी सभी पढ़ाई से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। जल्द ही आपके लिए PBR स्टडी का ऐप्स भी आ जाएगा और फिर आप गूगल प्ले से उस पर विजिट कर पाएंगे। हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से हम उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, फिर से हम मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। बिल्कुल हार नहीं मानना है, क्योंकि आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।